अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मेरी एक सिस्टर हैं, मेरी बहन है, वो आई हैं मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेशन। तो जी ये शाम का वक्त है, शाम के टाइम की वीडियो है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं बर्तन वॉश करके और जो है ये सिंक और काउंटर टॉप वॉश कर रही थी और बस क्लीनिंग करनी थी किचन की। और मुझे थोड़े से जो मैं कुछ सामान लेकर आई थी वो मुझे जार में फिल करके रखना था। तो ये है जी आलू बुखारे, मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी में ऐड करती हूँ मैं ये आलू बुखारे। उसके अलावा वैसे भी ये थोड़े अगर जो मीठे होते हैं हम लोग खा भी लेते हैं, तो बस ये मेरे पास जार पड़ी हुई थी, बस इसी में फ़िल कर दूँगी मैं। इस तरह की जो जार्स होती हैं कांच की या प्लास्टिक की ना, तो मैं उनको ना डिस्कार्ड नहीं करती बिल्कुल, मतलब रखती हूँ संभाल के ना। ये देखें अभी ये काम आ गई है, ये इसको मैं इसी तरह से फ्रिज में भी रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी अगर या किचन में भी रख देंगे तो ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर है जनाब ये टूटी फ्रूटी, जिसको मुरब्बा भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये जर्दे में या कुछ इस तरह के मीठे बनते हैं जिनमें ये काम आती है, और इस्पेशली ना टूटी फ्रूटी जो केक होता है तो उसके बनाने में भी ये काम आती है। तो बस उसमें भी ऐड करते हैं, और यहाँ इन्हें भी मैं जार में फिल करके रख दूँगी तो इजी हो जाता है। जो टाइम टू टाइम अगर आप कुछ बनाने जा रहे हैं तो आपको बाहर से इतनी सारी चीज़ों का ना झंझट नहीं होता कि आप कोई लाएगा या लेकर आएंगे मंगवाएंगे तभी जो है ना हम कुछ बनाएं। तो ये चीज़ें पहले से घर में मौजूद होती हैं तो आसानी होती है ना, सब कुछ कुछ भी आप बनाना चाह रहे हो तो ईज़िली बना लें। तो कौन कौन इस तरह करता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो कोशिश यही होती है कि हर चीज़ ना घर पर मौजूद होनी चाहिए। तो बस ये कि मैं रखती हूँ ना इस तरह की चीज़ें भी, क्योंकि केक्स वगैरह बनाते रहते हैं और जर्दा हुआ या एक और बनता है ना वो गुड़ के चावल, तो उसमें सब में ना अच्छी लगती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ चेरी जैम है, जो कि केक पे मैं ऐड करती हूँ, लगाती हूँ ना गार्निश पे भी। आपने देखा होगा मैंने उस दिन जो केक बनाया है अपनी भतीजी का, तो उस पर भी मैंने जो चेरीज़ लगाई ना वो यही वाली चेरीज़ हैं। इनको बस मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये चीनी के ना उसमें पकी हुई होती हैं, यानी कि शीरे में, तो ख़राब नहीं होती। फिर भी मैं इनको एहतियातन ना फ्रिज में ही रखती हूँ। शॉप वाले तो इनको अपनी शॉप में वैसे ही रख लेते हैं जार्स में, क्योंकि वो उन्होंने ना शीरे में डिप करके रखा होता है, और हम यहाँ हमारे पास शीरा नहीं होता। तो बस काफ़ी हो गई थी, वो दो जार्स भर गई थी उससे। ये भी देखें ये भी ड्राई है, इसमें भी शीरा नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे फ्रिज में ही स्टोर कर लेती हूँ। मैं ये तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए मैं रख लेती हूँ इस तरह से ना, और ठीक रहता है। और अच्छा इसके अलावा ना मेरी टूटी फ्रूटी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देखिएगा होममेड मैंने बनाई है वो, और तो मैं इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो कौन कौन बनाता है टूटी फ्रूटी केक, किस किस को पसंद है, भाई हमारे यहाँ तो सबको ही पसंद है। टी टाइम केक जो बनता है उसमें हम ये ऐड करते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। उसमें कलरफुल ये चेरीज वगैरह टूटी फ्रूटी डालें और बहुत ही मज़ा देते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, इतना कलरफुल ब्यूटीफुल, बस जनाब देखते रहें। जिसका नहीं भी खाने को दिल चाहे ना, वो इतने खूबसूरती को देखकर खाने का दिल चाहता है। तो जी जैसा मैं आपको स्टार्ट में बताया था, मेरी सिस्टर आई थी, मेरी सिस्टर हैं वो, और ये मेरे लिए फूल मिठाइयाँ गजरे सब कुछ लेकर आई हैं। काफ़ी दिन बाद आई हैं, वो लेट हो गई, कह रही थी मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुझे विश तो कर ही दिया था फ़ोन पर, लेकिन आई अभी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं खैरियत। देखें ये है मेरी बहन अजरा और ये है मेरी भाभी अच्छा। हाँ सही, इनका 1K हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई। जाने दे, ये ट्रेन है हमारी चल रही है, इसको चलने दे। आज मैं आई हूँ काफ़ी दिनों बाद, लेकिन मुझे खुशी थी, टाइम नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। आज मैं आई हूँ तो अपनी खुशी से स्वागत करेंगे इनका स्वागत। और ये लेकर आई है, थोड़े थोड़े से कमजोर हो गए सर्दी की वजह से। चलें जी ये है इनका, और ये आई है मेरी दूसरी भाभी का, ये देख ये देखना, ये मैंने खाई सस्ते वाले जो के नीचे करे, ये देखे बहुत सस्ते वाले, इतने सस्ते नहीं लेकिन अच्छे हैं। ये मोहब्बत का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का कांटों का तो नहीं। घर को हरा भरा चमन रखे, क्या से खा सका क्या मेरे बात थोड़ी।
चले जी, ये हो गया क्लैपिंग। बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने सेलिब्रेट किया और हमारी खुशी में शरीक हुई, बहुत शुक्रिया। तो अब आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ हाँ ऐसी बस लेट नाइट आई थी तो हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हमने उनको खाने का कहा तो हमने ये बनाया था, ये वाइट चिकन कोरमा है और ये मटन कढ़ाई है। तो बस घर में यही था और ये ताफ्तान मैंने मंगा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी लेकिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। वो थी मेरी सिस्टर जो बैठी थी सामने, उनके हस्बैंड थे और सिस्टर थी, तो बस यही हमने खा लिया। और उन्होंने काफ़ी हमने इंसिस्ट किया बाहर जाके कुछ खा लेते हैं या जो है घर में मैं कुछ ऐसा जल्दी से बना लूं, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमने दोपहर का खाना लेट खाया है, बस जो आप लोग खाएंगे हम आपके साथ ही थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो बस उतना ही उन्होंने मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लिया। तो बस यहाँ हम खाने के बाद आ गए थे कश्मीरी चाय पीने के लिए, ये है ना वो वाली चाय है किस मटका चाय जिसे कहते हैं ना, मटका चाय कुल्हड़ वाली चाय। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाके ना थोड़ी सी शूट करके लेकर आए कि वो किस तरह बनाते हैं ना। तो इनका मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि ना जो हमने कहीं और पी है इसके अलावा, कराची के अलावा जब हम जैसे बायरोड जाते हैं लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह तो हम वहाँ भी पीते हैं, तो वो लोग ना अंगारे पे बनाते हैं ढाबे पे ना। तो अंगारे में ना यानी कि ये जो कोयले होते हैं दहका के जला के ना खूब अच्छी तरह से भट्टी टाइप, तो उसमें ये कुल्हड़ को गर्म करते थे, तपाते थे अच्छे तरीके से ना। तो फिर हो सकता है शायद वजह ये हो कि वहाँ गैस की कमी हो इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन जब मटका चाय है तो फिर उस तरह होना चाहिए था उसको। तो बहरहाल टेस्ट में बहुत अच्छी थी ये, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट ख़राब नहीं था इसका। तो टेस्ट में तो एकदम लाजवाब थी, जैसे कश्मीरी चाय होती ना इस टाइप की। तो लास्ट में ना इन्होंने ऊपर गार्निश भी किया था, जिस तरह कश्मीरी चाय में होते हैं ड्राई फ्रूट्स जो है ना बारीक कट करके जो ऊपर से जो है ड्रिजल कर देते हैं यानी कि गार्निश करते हैं, और फिर वो जब हम सिप लेते हैं तो उसको बड़ा मज़ा देते हैं। तो बस इसी तरह से ही ना इन्होंने भी बनाया था, तो समझ नहीं आ रहा था कश्मीरी चाय है या मिट्टी का टेस्ट भी आ रहा था, कश्मीरी चाय का भी आ रहा था, और एक जो इन्होंने इसको अंगारे पे यानी चूल्हे पे इस तरह से जलाया है ना, तो एक तंदूरी टेस्ट भी आ रहा था। तो बस यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तंदूरी चाय है मटका चाय है या कश्मीरी चाय है, तो यानी कि एक वक्त में तीन फ्लेवर आ रहे थे। तो बहुत अच्छी लगी, बहुत इन्जॉय किया हमने, बस ये चाय निकालेंगे और इस पर जो है गार्निश कर देंगे ये देखें इस तरह से ड्राई फ्रूट्स, और फिर ये सर्व कर देंगे। तो बस हम दोनों ने ही पी थी, बाकी बच्चों ने तो कोल्ड कॉफ़ी पी थी वो उन्होंने, लेकिन वो यहाँ से नहीं पी थी उन्होंने। ये हमारी चाय आ गई है और ये हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, और देख लें आप ठंडे ठंडे मौसम में कितनी गर्मा गर्म चाय है। बस दिल चाह रहा है कि इतनी ही गर्म पी ली जाए, लेकिन इतनी गर्म कोई भी नहीं पी सकता जितनी आप इसमें धुआंधार चाय नज़र आ रही होगी आपको इस वक्त। और टेस्ट में तो मैंने आपको बताया बहुत ही लाजवाब थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ की चाय। और मैंने आपको साइन बोर्ड दिखा दिया है, अगर आपको कहीं नज़र आ जाए एड्रेस में नहीं दे सकती तो आप पी लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा सर्दियों को, या आप घर में भी बना के पी सकते हैं। उन्होंने दिखाया आपको किस तरह से उन्होंने अपने बर्तन को जलाया, बाकी तो सभी को चाय बनाने आती है। तो बस हम गाड़ी में बैठकर पी रहे थे, अब्दुल्ला का डर था कि चाय गिरा ना दें, वो अपने दादा और बाबा के साथ बाहर खेल रहे थे। चाय सही है, बस आपने देखा अब्दुल्ला कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बस चाहते हैं गाड़ी से मुझे बाहर छोड़ दें या फिर घर से बाहर निकाल दें, और मैं इसी तरह दौड़ता खेलता रहूं। एक बंदा हर वक्त उनके साथ ही ना खेलता ही रहता है तो वो खुश रहते हैं, क्योंकि जैसे और बच्चे होते हैं हर वक्त ज़िद करना रोना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है अब्दुल्ला। और ये देखें यहाँ हम बातों बातों में अपने एरिया में आ गए हैं और घर भी आ जाएगा बातें करते करते, आप देखिएगा।
और कैसा लगा मेरा आज का आपको ये व्लॉग और मेरी सिस्टर का आना सेलिब्रेट करना। बहुत मोहब्बत वाली हैं, बहुत चाहती हैं मुझे, बहुत दुआएं देती हैं। उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतनी दुआएं दी थी, इतना प्यार दिया था उस टाइम पर। बस कह रही थी मैं मजबूर हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं आ सकती, बस मेरी तरफ से भी आपको मैं यहीं से विश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बताकर भी नहीं आई थी। अक्सर ये होता है कि हम लोग नहीं होते घर पर तो बताकर ही आ जाती हैं पूछकर। अब उन्होंने सोचा सर्दियों में कहाँ निकलेंगी, बस वो आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम घर पर मिल भी गए उनको। और इस तरह से ना फिर उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया अपनी खुशी को, हमारी खुशी को एंजॉय किया और फाइनली हम अपने घर पहुंच ही गए हैं, आने ही वाला है हमारा घर। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। तो जी ये है हमारी मंजिल और ये हमारी प्यारी सी क्यारी जो आपको दिखती है हमेशा।